So these are the class of subphylum vertebrata, cyclostomata, pisces, amphibians, reptile, apes and mammalians. So we are going to understand about all these class with their examples. So let's start with cyclostomata. Cyclostomata, cyclos matlab circular and stone the mouth opening. तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसका मुंह है गोल उसको साइक्लो बोल. तो साइक्लो स्टोमेटा. दीज एनिमल्स हैव जॉलेस मतलब एग्नाथा वाले हैं. दे आर प्रोवाइडेड विथ सकर. दे आर एक्टोपैरासाइट्स मतलब फिश के ऊपर ही अटैक करते हैं. एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश. देयर एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस. कोई पैर हाथ नहीं है, कोई फिन नहीं है, कोई स्किन नहीं है. नॉर्मल एक सिलेंडर जैसे एक स्ट्रक्चर है. इनका मुंह कैसा है? गोल. साइक्लोन सर्कुलर एक माउथ है इनका. और वो क्या है? दीज एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट प्रोवाइडेड विथ सकर एंड से दे आर जॉलेस माउथ. तो वो कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ एग्नाथा. एंड एग्जाम्पल्स है इसके पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन. कमिंग टू द सेकेंड क्लास दैट इज पाइसिस. पाइसिस मतलब फिश. फिश क्या है? दीज आर अभी फिश को अगर मैंने अभी फिश पे आए क्लास पाइसिस सीख रहे हो, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि फिश है, ऑटोमेटिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही हो जाएंगे. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है इनके किंगडम? लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली ऑफ क्लास पाइसिस. अगर पाइसिस का लिखना हो फिश, अगर आपको फिश के बारे में दिया है तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? किंगडम एनिमिलिया, उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास पाइसिस. ऐसे ये सीक्वेंस जो मैं आपको स्लाइड में पहले सिखा रही थी, ये वही सीक्वेंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर फिश बोला तो उसकी क्लास क्या, उसका सब फाइलम क्या, उसका फाइलम कौन सा, और उसके बाद वो किंगडम कौन सा. अब मैंने यहाँ पे लिखा है कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक एनिमल. कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है? द एनिमल विच कैन नॉट, हु कैन नॉट कंट्रोल इट्स बॉडी टेम्परेचर. उसका खुद का कोई बॉडी टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर सकता. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. तो कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक टेम्परेचर. बॉडी कैसी है? स्पिंडल शेप की, क्योंकि उसको स्विमिंग करनी है तो वाटर रेजिस्टेंट नहीं. शेप टू मिनिमाइज, वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए उसकी बॉडी किस शेप में डिजाइन की गई है? स्पिंडल शेप में. टेल फिन इज प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि स्टीयरिंग ऑर्गन है ड्यूरिंग द स्विमिंग. एक्सोस्केलेटन, फिश को बाहर से देखोगे तो कैसा दिखता है? स्केल्स दिखते हैं. एंडोस्केलेटन कैसी होती है? कार्टिलेजिनस और बोनी, दोनों टाइप की फिशेज होती होंगी. एंड रेस्पिरेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे? उनको दिया क्या गया है? गेल्स. एक्वेटिक रेस्पिरेशन है. एंड देन कमिंग टू दी नेक्स्ट क्लास एम्फीबियंस. ये बेचारे एम्फीबियंस इनकी लाइफ को क्या बोलते हैं? ड्यूअल लाइफ जी रहे हैं. कोल्ड ब्लडेड है मतलब क्या? फिर से अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते, डिपेंड करते हैं किस पे? दूसरे सामने वाले जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है. एक्वेटिक, ड्यूअल लाइफ बोला मैंने. एम्फीबियंस बोला मतलब एक्वेटिक भी हैं, एरियल भी हैं. इनके पास दोनों होंगे, इनके पास गिल्स भी होंगे और इनके पास लंग्स भी होंगे. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट ईयर ड्रम इज प्रेजेंट. ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं पता है? टेम्पनम. एंड नेक इज एब्सेंट एंड आईज को, अभी फ्रॉग आंखें खोलता है तो उसकी आईलाइट्स कितनी हाईलाइट होती है ना, तो वैसे ही उनका. इफ यू हैव टू टेक जस्ट एम्फीबियंस की क्लास देखो, उसका एग्जाम्पल देखो और उस ऑर्गेनिज्म को तरह कंसिडर करो अपने दिमाग में, इमेजिन करो. यू विल बी, उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या लिखेंगे. तो यहाँ पे एग्जाम में आंसर लिखने के लिए पहले तो आपको दो वे में काम करना है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास का है. क्लास सिखाने के लिए एनिमिलिया और किंगडम, इसके लिए मैंने आपको एक टेबल दे दी है, उससे आपको जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं जैसे लाइक बायलेटरल सिमेट्री, ये सब पता चल जाएगा. अगर उसी क्लास का अगर आपको एग्जाम्पल पता है, अगर फ्रॉग, अगर ये एग्जाम्पल आपको पता है एम्फीबियन से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को इमेजिन करके आपको उसके दो तीन कैरेक्टर्स और मिल जाएंगे. एट द एंड योर आंसर इज रेडी. तो यहाँ पे नेक इज एब्सेंट. और मॉइस्ट स्किन क्यों है इनकी? रेस्पिरेशन होना चाहिए इसलिए उनकी स्किन मॉइस्ट है. इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर. देन कमिंग टू दी थर्ड दैट इज रेप्टाइल्स.
Reptiles are the first true terrestrial animal with creeping movement. फिर अगेन कोल्ड ब्लडेड हैं, देयर स्किन इज ड्राई. इफ यू वॉन्ट टू, अगर आपके में आपको फर्क करना है कि सम रेप्टाइल्स आर ना, दे आर, वो ना पानी में भी रहते हैं और पानी में भी जाते हैं, तो अगर आपको इनको एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में अगर फर्क पता करना है तो उनकी स्किन देखो. अगर मॉइस्ट है तो वो एम्फीबिया में आएगा. कभी कभार कन्फ्यूजन होगी कि वो टेरेस्टराइल भी है, पानी में भी है, वेदर इट इज अ रेप्टाइल और एम्फीबियंस. यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्किन. अगर मॉइस्ट स्किन है तो एम्फीबियंस है, और अगर ड्राई स्किन है तो वो रेप्टाइल क्लास का है. दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड, नेक इज प्रेजेंट, एन एग्जाम्पल इज टॉर्टॉइस, लिजार्ड्स एंड स्नेक. एंड देन एव्स, एव्स दे आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल. वार्म ब्लडेड मतलब they can control their body temperature. Their body is actually designed for aerial respiration. Inki bhi body spindle shaped hai. Kyun? Kyunki to minimize the resistance during flight. Now, unke jo four limbs hai, they are modified into wings. Exoskeleton. Exoskeleton, usme kya present hoga? Feather. That's why they are able to fly. The neck is present between the head and trunk. And jaws. Jo unke jo jaw the, they are coming to, from the category of then mathos. So, जो जॉ है वो modify किसमें हुआ है, beak पे. Then last and very important, that is mammalian, that is us and different many other animals also. क्यों mammalians का नाम ही क्यों है, इनकी एक सबसे बड़ी खास बात है presence of mammary gland. They are warm-blooded. Warm-blooded मतलब खुद का body temperature में complete control कर पाऊंगी. Body is divided into head, neck, trunk and tail. Exoskeleton, hairs होते, furs होते, depending upon the वो किस surrounding में, उनके क्या habitat हैं. Examples हैं उनका elephant, human beaks, kangaroo, dolphin and bat. And yes, a fun fact about the mammalians, they are the first organisms who have ear that sticks out. हम में ही वो पाया जाता है, ममेलियंस में ही. हमारे कान, ईयर्स आर देयर स्टिक आउट. सो लेट्स, सो दीज आर दी क्लास विच वी हैव कवर्ड टुडे, दैट इंक्लूड्स साइक्लोस्टोमेटा, पाइसीस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, ममेलियंस. एंड नाउ लेट्स रिवाइज इट, लेट्स रिवाइज विथ रिवाइज everything with this colorful diagram. Fish, and hope you all are agree with me, then we will complete class. So phylum chordata, yeah, breathe under the water using gills. Unke paas lungs hai? Nahi, bilkul nahi. They live in water? Yes. Have scales and fins? Yes. उनके पास हेयर्स हैं? नहीं. तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैं क्या बार बार बोल रही थी, एग्जोस्केलेटन. दे आर कोल्ड ब्लडेड मतलब खुद का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं. दे ले मैनी एग्स. देन एम्फीबियंस, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर. दे वो कौन सी लाइफ जी रहे हैं? ड्यूअल लाइफ जी रहे हैं. दे हैव वेब्ड फीट, ब्रीथ विद लंग्स एंड गिल्स. क्योंकि दोनों में, अगर लार्वे स्टेज में रह रहे हैं इसमें पानी में, एक्वेटिक हैं, और अडल्ट होने पे वो एम्फीबियंस, जब वो बन रहे अडल्ट एम्फीबियंस बन रहे, तो उनको दोनों चीज़ चाहिए. तो दे हैव लंग्स ऑल्सो एंड गिल्स. अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड. मॉइस्ट स्किन क्यों रखते, कोई फर है उनमें? फर. हेयर्स हैं? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रेस्पिरेशन करना है, और रेस्पिरेशन के लिए उनको क्या करना है, अपनी स्किन मॉइस्ट रखनी है. दे हैव फोर लेग्स एंड समटाइम्स नन. ले मैनी एग्स. अरे ये मेटामॉर्फोसिस क्या था? जस्ट इमेजिन अ टैडपोल ग्रोइंग अडल्ट इनटू द एक फ्रॉग. जब वो बनता है, एक ना एक बहुत अच्छी एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे वो फ्रॉग से ये होता है. एंड दैट्स व्हाई जो बेबी टैडपोल है या बेबी एम्फीबियंस, इट कम्प्लीटली लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट एम्फीबियंस. यू वोंट बी एबल टू रिकोगनाइज कि ये आगे चल के ये अडल्ट एम्फीबियंस मतलब ये फ्रॉग बनने वाला है. सो दिस इज अ वेरी बिग एंड नेचुरल प्रोसेस इन विच द बेबी एम्फीबियंस ग्रोज इनटू द
adult amphibians, and yes, they don't look, they so baby amphibians, it will completely look different from the adult amphibians. Then हमने reptiles देखी, scales थे, have scales not fur, have dry skin. मैंने यही फर्क बताया था amphibians और अगर reptiles में फर्क देखना हो तो उनकी skin पे जाओ. Usually lay eggs, sometimes ear holes instead of ears. ये additional points है. They are cold blooded. इनमें से I have given you the options of 6 to 8 characteristics. जो आपको याद होते हैं minimum 6 याद करो और examples रखो. And at the end, ये sorry, birds पे आए, that is apes. उसमें जो exoskeleton था वो feathers और ये सब wings आ गए, eggs होते हैं. अच्छा, तो ये eggs आपके reptiles, amphibians दे रहे, fish दे रही हैं, उनकी जो covering है ना वो मतलब moist रहेगी, jelly थोड़ी. हाँ, in case of birds, उनकी eggs में भी, ये भी आप एक difference अपने exam में लिख सकते हो. They lay eggs which have hard covering, ear holes instead, and they are warm-blooded. Warm-blooded मतलब they can control their own body temperature. And at the end, हम mammalians पे आए, have hair and fur, give birth to the limb, youngs, mammalians mother nurse breastfeeding, then have lungs and need air to breathe. मतलब aerial respiration है, lungs चाहिए उनको. अगर पानी में भी गए कुछ देर के लिए भी तो भी उनको वाटर सरफेस पे आना होगा टू टेक ऑक्सीजन. ममेलियंस दैट लिव ऑन लैंड हैव 4 लेंग्स एंड ईयर दैट स्टिक्स आउट. इट इज ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ही आर द वी कम इन टू दैट कैटेगरी जहाँ पे ईयर्स जो हैं वो स्टिक आउट हुए हैं. एंड यस, वी आर वार्म ब्लडेड. सो दिस इज फॉर दिस इज I've completed with phylum Chordata. So this is the end slide, and with that, see, we humans come into the category of phylum Chordata. Just listen to me very carefully. We humans come into the category Chordata. Chordata ke 4 distinct characters bataye maine. Notochord, pharyngeal gill slits, tail bataya maine, aur aapko maine अगर एक फर्स्ट ग्लैंस में देखने आओगे तो हमारे में सिर्फ नर्व कॉर्ड ही कॉमन दिख, बाकी के तो 3 हमें दिख ही नहीं रहे हैं. बट यस, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड हमारे किस में मॉडिफाई हो गए, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है ना उसके कार्टिलेजन डिश में वो नोटोकॉर्ड हैं तो वो उधर मॉडिफाई हो गए. टेल भी बिकॉज हमें यूजफुल नहीं है तो टेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई. यस, इट गिव्स एन एविडेंस, क्लियर कट एक एविडेंस हमें देता है कि क्या देर इज अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फ्रॉम दिस फिश अस, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, फिश से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है उसके. दैट्स व्हाट यू हैव लर्न इन योर फर्स्ट चैप्टर. सो होप यू हैव अंडरस्टूड कॉर्डेट्स वेरी वेल. अगेन, हैप्पी नाउ. Thank you.